दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सुनील शेट्टी की अन बॉलीवुड मूवी के बारे में बताएंगे जिसका नाम है रुस्तम और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स मौजूद थे और कब ये मूवी रिलीज होने वाली थी और इसके अलावा इस मूवी का डायरेक्टर कौन था यही हम आपको आज की इस वीडियो में डिटेल्स के साथ बताएंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस फिल्म की लीडिंग कास्ट से तो इस फिल्म की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे सुनील शेट्टी मनीषा कोयराला परेश रावल और अनुपम खेर इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर थे हैरी बवेजा और इस फिल्म को म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे शकील नूरानी तो दोस्तों साल उन्नीस में अनाउंसमेंट के बाद इस फिल्म की शूटिंग का आगाज हो गया था और कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी एक बॉक्सिंग चैंपियन की लाइफ जर्नी पे बेस्ड थी और इस फिल्म में सुनील शेट्टी हमें एक बॉक्सर के किरदार में नजर आने वाले थे और इसके अलावा सुनील शेट्टी और मनीषा कोयराला की जोड़ी भी हमें पहली दफा इस फिल्म में देखने को मिलने वाली थी और उस टाइम पे इस मूवी के कुछ पोस्टर्स भी रिलीज कर दिए गए थे लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ये मूवी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और एक्टर्स की डेट इश्यूज की वजह से बीच में ही रुक गई और फिर इसके बाद डायरेक्टर हैरी बवेजा भी अपनी अगली मूवी दिल जले की शूटिंग में मसरूफ हो गए और मूवी फिर कंप्लीट ही नहीं हो पाई थी तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सुनील शेट्टी की यह मूवी अगर उस टाइम पे बन के रिलीज हो जाती तो क्या हिट होती या फिर ब्लॉकबस्टर हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा